बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं उषा से हैप्पी और वाचिंग लर्निंग विद हैप्पी मूड। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे CS 506 की जो आप लोग के असाइनमेंट नंबर 1 आई है उसका सोल्यूशन। 29 इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, वो आप लोगों ने अच्छी तरह से रीड करनी है। और यहाँ पे नेट मीन्स को आई थिंक जो है ना सर ने लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे जावा को जो कोड है टेक्स्ट एडिटर का, ठीक है। सो वो सारा यहाँ पे आप लोग इसको अच्छी तरह रीड कीजिएगा। यहाँ पर रूल्स दिए गए हैं। उसके बाद हमें ना यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये थी कि यू आर रिक्वायर्ड टू डेवलप अ जावा प्रोग्राम टू ट्रैक द, यानी कि उसके मतलब हमने एक प्रोग्राम बनाना था रनिंग के मतलब, ठीक है, कि सबसे फर्स्ट तेज़ कौन जो है वो रन करता है। और उसके बाद जो है यहाँ पे सारा जो है वो बताया हुआ है, रेस लाइक एनी वैलिड ग्रेटर देन ज़ीरो, तो प्रोग्राम विल बी प्रॉम्प्ट द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, ठीक है। देन द प्रोग्राम शुड अलाउ द यूजर्स टू इनपुट द डिटेल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, वन बाय वन इन द सिस्टम इन लाइक नेम एंड फिनिशिंग नेम। सो इसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ना आप लोगों ने अच्छी तरह से 2-3 दफ़ा पढ़ना, फिर आपको समझ आएगी करना क्या है। यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं प्रोग्राम की, जो कि किस तरह से प्रोग्राम आप लोगों ने राइट करना है, क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद स्क्रीन शॉट दिए गए हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट मतलब जो ऐप है वो रन करने के बाद उसके स्क्रीनशॉट दिए गए हैं कि ये नंबर ऐड करेंगे तो क्या है, सबसे पहले रन करें तो क्या है, ठीक है। सो मैं आप लोगों के साथ अभी सारी ऐप जो है वो शेयर करती हूँ, उसका कोड भी, और साथ में रन करके भी आप लोगों को चेक करवाती हूँ। ये सारे स्क्रीनशॉट हैं, ठीक है। यहाँ पर रिक्वायर्ड जावा क्लासेस सारे दी हुई हैं जो कि हमने यूज़ करनी है अपने जावा के कोड के अंदर। और दूसरी सबमिशन का सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पर पूछते हैं। यहाँ पे डाउनलोड इंस्टॉल JDK एंड क्रिएट जो है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जब, अच्छा यहाँ पे ना JDK का इसका इंस्टॉलेशन का लिंक दिया गया वीडियो का, और यहाँ पे जो है उसके बाद उसको पाथ वगैरह सेट करने के ये वीडियो लिंक आप लोग जो है देख लीजिएगा, तो आप लोगों को वो JDK के अंदर जो है फर्स्ट जो है नेट मीन्स आईडी ही या फिर JDK के अंदर जो है वो मतलब आप लोगों को समझ आ जाए किस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। तो ये सारा आपने करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को अगर कोई पेड सर्विस चाहिए प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड 519 का 619 का, या आप लोगों को कोई असाइनमेंट्स या LMS हैंडल करवाना हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप किसी भी पेड सर्विस के लिए या स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इन्फॉर्मेशन लेनी, गाइड लेनी, ठीक है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज का प्रोजेक्ट्स के मतलब आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसी बुक के ना यहाँ पर लेक्चर्स पड़े हुए हैं। आप लोग यहाँ चैनल पर आएंगे ना तो यहाँ प्लेलिस्ट में आएंगे, इसी बुक के लेक्चर्स बनाए हुए हैं, और उसके अंदर भी मैंने JDK को ना इंस्टॉल करना, उसका पास सेट करना सबसे मुश्किल काम होता है, तो वो जो है ना स्टूडेंट को पास सेट करना नहीं आ रहा होता, तो उसको JDK को इंस्टॉल करना, उसका पाथ वगैरह सेट करने का, वो सारा मैंने वीडियोज़ के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करवाया, ठीक है। तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूँगी, वो भी वॉच कर लीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर चैनल पर आएँ, यहाँ प्ले लिस्ट में आएँ, और प्ले लिस्ट पर आके आपने यहाँ पर CS 506 के जो हैं वो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं वो आप लोग वॉच कर लीजिएगा। साथ मिड टर्म की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, फाइनल की भी, और साथ जो हैं वो दूसरे नंबर पे जो है दूसरा लेक्चर JDK पे ही हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च कर लेती हूँ, मिल तो नहीं रहा ऐसे CS 506 के, ठीक है। तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे ना, ये देखिए ये सारे लेक्चर्स आ गए, ठीक है, प्लेलिस्ट पड़ी होगी उसकी। तो दूसरी असाइनमेंट्स में सॉरी दूसरे लेक्चर में मैंने इसको इंस्टॉल वगैरह करने का बताया हुआ है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को अब मैं जो है इसका कोड शेयर करती हूँ, और साथ आप लोगों को जो है वो रन करती हूँ, दो तरीके से उसको उसमें भी रन करके दिखाऊंगी, नेटबीन्स के अंदर भी कि किस तरह से रन करना है, और दूसरा अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर उसको रन करना है तो वो किस तरह से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखे CS 506 असाइनमेंट के नाम का मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर मैंने जो है वो फाइल रखी हुई है इसकी, ठीक है। और यहाँ पे आपने आना है उसी फोल्डर में जहाँ पे रखा हुआ होगा असाइनमेंट बनाई होगी, और वहाँ पे उसके ऊपर जो है सर्च बार पे ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो है वो विंडो ओपन हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो उसके बाद इसका जो आपने CS 506 असाइनमेंट यानी उसका फोल्डर का नाम लिखना है Java C, ठीक है, इसको कंपाइल करने के लिए, ठीक है। उस फाइल का आगे नाम दें, फोल्डर का नेम Java C और फाइल का नेम .java, ठीक है। इस तरह से आपने अपनी अपनी फाइल का नेम देना जो आप लोगों की फाइल का नेम होगा, ठीक है। एंटर करेंगे, उसके बाद आप लोगों ने इसको जो है वो रन करना है।
तो वो फोल्डर का नेम वो खुद ही पिक कर लेगा। आगे आपने जावा और फाइल का नेम लिखना है, ठीक है। जैसे ही जावा फाइल का नेम लिख के एंटर करेगा, आपके सामने ये प्रोग्राम जो है वो रन हो जाएगा जो आपने बनाया होगा, ठीक है। इस तरह से इसको जो है रन करना है, और जो जो सर ने रिक्वायरमेंट्स या स्क्रीनशॉट दिए हुए हैं बिल्कुल उसी तरह की ऐप है, और रन भी हो रहा है सारा, ठीक है। ये देखें सारा जो है रन करके आप लोगों को मैं चेक करवा रही हूँ। द नेम ऑफ थर्ड नंबर वाला जो है उसका नेम आ जाएगा, प्लीज एंटर द फिनिशिंग टाइम ऑफ। तो इस तरह से आपने सारा जो है इसको ना रन करना है आपको, ठीक है। उसके बाद ये आप लोगों की आईडी इसमें यूज होगी, ठीक है। आप लोगों का नेम आईडी आप लोगों ने कोड के ऊपर कमेंट देकर राइट करना है। ये कोड है आप लोगों के सामने, ठीक है, ये देख लें। और यहाँ पे आप लोगों ने आईडी की जगह पे अपनी आईडी यूज़ करनी है, और टॉप पे आप लोग कमेंट दीजिएगा और नेम और आईडी अपनी मेंशन कीजिएगा, तो बहुत यूनिक सॉल्यूशन बन जाएगा आप लोगों का, ठीक। वो कैसे रन करेंगे उसका मैं आप लोगों को रन करके दिखाती हूँ, नेटबीन्स के अंदर आप लोगों ने किस तरह से रन करना है, ठीक है। सो ये नेटबीन्स को आप लोगों ने ओपन करना है, जेडीके किया हुआ उसको, या फिर नेटबीन्स को नेक्स्ट असाइनमेंट नेटबीन्स पे आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने फाइल पे क्लिक करके न्यू फाइल ले लेंगे, और जैसे न्यू फाइल लेंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, जो पहले से हमने असाइनमेंट की फाइल बना के रखी हुई है ना, ठीक है। तो जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो ये प्रोजेक्ट्स का नेम मांगेगा, यहाँ पे आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स का नेम देना, यानी कि वो फाइल का नेम देना जो आपने, ये वाली फाइल का नेम, ठीक है, जो कि बना के रखी हुई हमने, तो उस फाइल का नेम यहाँ पर मैं राइट करूँगी। और राइट करने के बाद हम जो है इसको फिनिश कर लेंगे, ठीक है। डॉट जावा आगे लिखेंगे, फाइल का नेम डॉट जावा, तो डॉट जावा नहीं, फाइल का नेम ही जस्ट लिखेंगे और जो है फिनिश करेंगे, तो ये देखो वो हमारी जो फाइल है उसको ये मतलब वहाँ से पिक कर लेगा, ठीक है। इस तरह से वो फाइल आ गई, तो ये सारा कोड है इसके नेटबीन्स के अंदर आ गया वही फाइल का, ठीक है। ये दोबारा से फिर आप लोग चेक कर लें एक दफ़ा कोड, अपनी आईडी और नेम सारा आप लोगों ने मेंशन करना है, ठीक है। देख लें अच्छे से, स्टॉप करके वीडियो को, कोड को पहले, सबसे पहले कोड को आपने राइट करना है इसके ऊपर, एडिटर के ऊपर, ठीक है, नोड पैड, नोड पर प्लस प्लस, विजुअल, सब्लाइम, जो भी एडिटर है। और उसके बाद ये यहाँ पे हमारा जो है यह कोड आ जाएगा नेटबीन्स के अंदर, इसको हम अब हम जो है वो रन करेंगे, ठीक है। तो आपने जो है इसको रन करने के लिए क्या करना होता है, हमने फाइल पे राइट क्लिक करना होता है, राइट क्लिक करके आपने जो है इसको जो है उसके बाद इसको फाइल रन पे क्लिक करेंगे। जैसे फाइल रन पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम जो हमारा रन जो है रन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये लो आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए रन हो गया, आउटपुट शो कर रहा है अब, तो वेलकम टू ABC, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों ने इसके में जो है वो फाइल को जब आप रीड करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। तो इस तरह से आप वन बाय वन इसमें जो है वो एंट्रीज ऐड करते जाएं और ओके करते जाएं, नेक्स्ट करते जाएं, तो आपको सारा जो ऐप जो है वो रन होके और आपके सामने आ जाए, ठीक है। सो यही थी इसकी जो है आज की वीडियो। मैंने नेटबीन्स में भी और स्मार्ट कमांड प्रॉम्प्ट में भी रन करके दोनों तरीकों से रन करके आप लोगों को दिखा दिया, कोड भी दिखा दिया। कोड को राइट कर ले, उसमें अपनी आईडी और नेम वगैरह मेंशन कर, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और आपके पास अगर ये नहीं है क्या नेम है इसका, नेटबीन्स नहीं है आपके पास, JDK या डॉलर वगैरह नहीं, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में भी इसको रन करके अपने आउटपुट चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने करनी है, तो ये डेवलप बाय आप लोगों ने यहाँ पे अपनी आईडी लिखनी है, तो ये आप लोगों का नेम आ जाएगा, ठीक है। सो यही था आज की वीडियो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा, कोई भी आप लोग क्यूरी है वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी की हेल्प हो जाए इस वीडियो से, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि नेक्स्ट जितनी भी वीडियो बनाऊंगी क्यूजेज असाइनमेंट्स की, लेक्चर्स की, तो वो सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। बेल आइकन को प्रेस किया होगा तो नोटिफिकेशन मिलेगा, वो लाजमी प्रेस कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कोई भी पेड सब्सिडी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्पेशली प्रोजेक्ट्स के लिए स्टूडेंट को बहुत सारी टेंशन होती है, जॉब होल्डर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना, टाइम कंज्यूमिंग होता है इस वजह से, ठीक है। सो अब मुझे इजाज़त, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अल्लाह हाफिज़।